तो यहाँ पर अगर आप भी इंतज़ार कर रहे थे न्यू एंटिटीज़ के लिए, तो यहाँ पर आपका इंतज़ार ख़त्म होता है, क्योंकि अभी के समय में मार्केट में 3 न्यू एंटिटीज़ इशू आए हैं जो कि काफ़ी बेहतर रिटर्न दे रहे हैं आपके इन्वेस्टमेंट पर। तो यहाँ पर अगर आप इन 3 एंटिटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आपको कंप्लीट डिटेल समझ में आ सके। इसके अलावा अगर आपको एंटिटीज़ के बारे में नहीं पता है तो आप जान लीजिए सिंपली, एंटिटीज़ होते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। यहाँ पर अगर आप अपना पैसा लगाते हैं तो आप अपने पैसे को एक तरीके से लोन के रूप में दे रहे हैं सामने वाले कंपनी को, और वो कंपनी आपको इंटरेस्ट देगी जो कि नॉर्मली फिक्स रहेगा। यहाँ पर ये इंटरेस्ट आपको तब तक दिया जाएगा जब तक आपको लोन का पैसा रिटर्न नहीं किया जाता। इसके अलावा आप अगर फिक्स डिपॉजिट के अल्टरनेटिव में एंटिटीज को ढूंढ रहे हैं तो ये आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ पर आपका थोड़ा रिस्क भी बढ़ जाता है, क्योंकि एंटिटीज में आपको RBI किसी भी तरीके से गारंटी नहीं देता। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आपको पता चल सके कि कैसे हम अपने रिस्क को कम कर सकते हैं और रिटर्न ज़्यादा कमा सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताऊँगा कि कौन कौन से एंटिटीज आए हैं और इनमें इंटरेस्ट इनकम क्या मिलेगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ICL फिनकॉर्प लिमिटेड के बारे में बात कर लेते हैं। ICL फिनकॉर्प लिमिटेड एक NBFC कंपनी है, और यहाँ पर ये नॉर्मली लोन प्रोवाइडिंग बिजनेस में काम करते हैं। इनका गोल्ड लोन का भी बिजनेस है, इनके अलावा अलग बिजनेस भी है इनका। बात करें यहाँ पर इसके NCD इशू के बारे में, तो यहाँ पर जो NCD इशू किए जा रहे हैं वो सिक्योर्ड इन नेचर है, और टोटल सीरीज 1 से लेकर 10 तक के है। और यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं तो 28 नवंबर से 11 दिसंबर तक का टाइम है आपके पास इन्वेस्टमेंट करने की। बात करें मिनिमम इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ पर मिनिमम आपको 10,000 रुपये लगेंगे इन्वेस्ट करने के लिए। इसके अलावा बात करें यहाँ पर इशू साइज की, तो यहाँ पर जो इशू साइज है वो 100 करोड़ रुपये का है। बात करें क्रेडिट रेटिंग की, तो यहाँ पर रेटिंग इनको BBB नेगेटिव मिलेगी है, लेकिन मैं आपको शुरू से ही बोलते आ रहा हूँ, यहाँ पर रेटिंग पर आप भरोसा मत करिए, बल्कि आप कंपनी के परफॉर्मेंस पर भरोसा करिए और उनके प्रमोटर्स पर भरोसा करिए। यहाँ पर अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, वो टाइमली अपना डेब्ट रीपेमेंट करते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, तो इनका रेटिंग भी बढ़ सकता है। और या फिर मान लेते हैं अगर आप हाई रेटिंग कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और वो टाइमली अपना सारा कुछ पेमेंट नहीं करते, तो उनका रेटिंग गिर भी सकता है। इसलिए रेटिंग पर भरोसा ना करके कंपनी पर भरोसा करिए। अब बात करते हैं यहाँ पर आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा अगर आप अपना पैसा लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए टोटल 10 सीरीज के NCDs है, हर एक NCD का अपना इंटरेस्ट पेमेंट फ्रीक्वेंसी है और रिडेम्पशन डेट है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट फ्रीक्वेंसी देखिए मंथली है और क्यूमुलेटिव है और एनुअल है, ये 3 तरीके के इंटरेस्ट पेमेंट है। टाइम पीरियड की बात करें तो 13 महीने के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा आपका, और मैक्सिमम 68 मंथ्स के लिए रहेगा। अब यहाँ पर देखिए आपका जो रिटर्न है वो यहाँ पर काफ़ी बेहतर मिल रहा है कंपेयर टू बाकी अदर NCDs। यहाँ पर जो कूपन पेमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है, जैसे देखिए 11%, 11.5%, 12%, 12.5%, इसके अलावा यहाँ पर एंड में आपको 12.25% तक का रिटर्न पेमेंट किया जा रहा है। यहाँ पर ये जो इंटरेस्ट पेमेंट है ये आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर ईयर के हिसाब से कैलकुलेट होगा। अब देखिए क्यूमुलेटिव NCD में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो क्यूमुलेटिव में आपका इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो अंत में पेमेंट होता है, यानी कि जब रिडेम्पशन किया जाता है तब आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट प्लस इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाता है क्यूमुलेटिव तरीके से। तो यहाँ पर मान लेते हैं 36 मंथ में आप इन्वेस्ट करते हैं तो 1423 रुपये आपका रिडीम होगा, और 24 मंथ्स के लिए 1254 रुपये, और इसी तरीके से 13 मंथ के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका 1125 रुपये रिडीम होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरे कंपनी की, तो दूसरे कंपनी में यहाँ पर है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस। यहाँ पर ये कंपनी भी एक NBFC कंपनी है, नॉर्मली ये व्हीकल लोन, पर्सनल लोन और इसके अलावा अदर इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल बिजनेसेस में ये डील करते हैं। यहाँ पर इसका इशू पीरियड जो है वो 28 नवंबर से 11 दिसंबर का है, इशू सीरीज जो है वो 1 से लेकर 6 तक का है, और यहाँ पर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो भी 10,000 रुपये है, और जो इशू साइज है यहाँ पर काफ़ी बड़ा है, जैसा कि देख पा रहे 500 करोड़ रुपये का बेस इशू साइज है और 500 करोड़ का ओवर सब्सक्रिप्शन है, तो टोटल यहाँ पर 1,000 करोड़ रुपये का इशू साइज है। क्रेडिट रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर क्रेडिट रेटिंग इन्हें काफ़ी बेहतर मिला हुआ है, AA+। अब बात करते हैं यहाँ पर इशू सीरीज की, तो 1 से लेकर 6 तक के इशू सीरीज यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं आपको, और यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट टाइम है वो 24 मंथ से लेकर 60 मंथ है, लेकिन यहाँ पर अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट अमाउंट देखेंगे वो काफ़ी ज़्यादा कम है, जैसे देखिए कूपन पेमेंट 8.4%, 8.5% और 8.6%। अब ऐसा इसलिए क्योंकि इस कंपनी का क्रेडिट रेटिंग काफ़ी बेहतर है, जिसके कारण से ये कम ब्याज के
दर पर पैसा उठा पा रहे हैं मार्केट। लेकिन फिर भी मान लेते हैं अगर कंपनी अच्छे से अपना डेट परफॉर्म नहीं करती इंटरेस्ट पेमेंट या फिर लोन रिपेमेंट का, तो यहाँ पर इनका क्रेडिट रेटिंग गिर सकता है। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं तीसरे एनसीडी के, तो ये तीसरा एनसीडी मुथूट मर्केंटाइल लिमिटेड की तरफ से इशू किया जा रहा है। ये भी एक एनबीएफसी कंपनी है, लेकिन ये मुथूट मर्केंटाइल, मुथूट फिनकॉर्प, मुथूट फाइनेंस, मुथूट मिनी फाइनेंस और इसके अलावा जो भी अदर मुथूट कंपनी है उनसे अलग है। यहाँ पर इनका अलग बिजनेस ही चलता है, ये आप बात ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर जो इशू पीरियड है वो 4 दिसंबर से 15 दिसंबर तक का है और जो इशू सीरीज है वो 1 से लेकर 11 तक का है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ भी 10,000 रुपये है और जो इशू साइज है वो 100 करोड़ रुपये बेस का है और ओवर सब्सक्रिप्शन भी 100 करोड़ का है, तो टोटल इशू साइज 200 करोड़ रुपये का हो जाता है। अब इनके क्रेडिट रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर इनको क्रेडिट रेटिंग BBB स्टेबल का मिला हुआ है, जो कि कम क्रेडिट रेटिंग है। लेकिन फिर मैं दोबारा आपको याद दिला दे, क्रेडिट रेटिंग पे भरोसा ना करके आप कंपनी के परफॉर्मेंस और कंपनी पे भरोसा करिए। अब देखिए यहाँ पर टोटल 11 सीरीज इशू किए जा रहे हैं, हर एक सीरीज का अपना रिडम्पशन डेट और अपना इंटरेस्ट पेमेंट है। तो मिनिमम 367 डेज का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है और 75 मंथ्स का मैक्सिमम है। यहाँ पर अब बात करें कूपन पेमेंट की, तो यहाँ पर 9.5%, 9.65, 9.75, 10.25 और 10.5 है, इस तरीके का यहाँ पर कूपन पेमेंट हो रहा है, यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट। और इसके अलावा जो क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट पेमेंट वाले एनसीडीज है इसके हिसाब से पेमेंट हो रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर मैं तीनों सीरीज के बारे में आपको बता चुका हूँ। अब अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप जब भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एनसीडी में तो आप अपने पैसे को पहले एक जगह इकट्ठा करिए और उस पैसे को डिवाइड करिए 10 से 15 भागों में कम से कम। यहाँ पर हर एक भाग को एक कंपनी में इन्वेस्ट करिए। यहाँ पर जैसे मान लेते 10 लाख रुपए आपके पास है, 10 भागों में डिवाइड करते हैं तो 1-1 लाख रुपए निकलता है, तो 1-1 लाख रुपए हर एक कंपनी में इन्वेस्ट करिए। यहाँ पर ऐसा करने से आपका जो एनसीडी का रिस्क है वो कम हो जाता है। मान लेते हैं अगर किसी कंपनी में दिक्कत भी आती है तो बाकी के जो 9 कंपनी है वो कम से कम सेफ रहेंगे। यहाँ पर आए दिन ऐसे कई सारे न्यूज आए हैं जहाँ पर आपको देखने को मिला होगा AAA रेटेड कंपनीज भी डिफॉल्ट कर चुके हैं इंटरेस्ट पेमेंट में, या फिर AA रेटेड कंपनी भी डिफॉल्ट कर चुके हैं। जैसे ताज़ा एग्जाम्पल है श्रेय का, इसके अलावा DHFL। अगर आपका पैसा एक जगह पर पूरा इकट्ठा हो जाता है तो आप फंस जाते हैं, इसलिए हमेशा डाइवर्सिफाई करके चलिए ताकि आपका रिस्क कम हो सके। इसके अलावा बात करें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, तो आप अपने स्टॉक ब्रोकर को कांटेक्ट करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपने आसबा का इस्तेमाल कर सकते हैं, बैंकिंग आसबा का, और या फिर आप BSE या फिर NSE के प्लेटफॉर्म को भी यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी फॉलो या फिर सब्सक्राइब जरूर करें।